कर्नाटक के इतिहास के अंदर ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार हमने देखी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार आम आवाम को जब से ये पावर में आई है और अपने आप को कहती है कि डबल इंजन सरकार, आवाम को इतना परेशान कर रही है कि उनके खाने के वांदे पड़े हैं और उनके जॉब्स के वांदे पड़े हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अखराजात के खर्चे के वांदे पड़े हैं। और ये डबल इंजन की सरकार जो मुंबई जी की सरकार है, ये एक सरकार आम आदमी के ख़िलाफ़ बात करती है, आम आदमी के ख़िलाफ़ काम करती है, क्योंकि ये इतिहास बताता है इनका, जब जब ये सरकार दुविधा में आती है तो ये कास्ट का कार्ड खेलते हैं। क्यों ये कार्ड इसलिए खेलते हैं, क्योंकि आवाम परेशान हो और क्योंकि असली मुद्दे भूल जाएं। हमने देखा है जब जब ये सरकार बैकफुट पे आती है तो ऐसे रिलीजियस मैटर को उठाती है, ताकि हमने देखा है कि हिजाब जो मसला था उसको इतना बड़ा करके एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की इन्होंने हलाल और झटके के जो वो चीज़ को भी इन्होंने हलाल और झटके का नाम दिया और अवाम को परेशान करने का कोशिश की। और इन्होंने जब जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं और डीजल प्राइस बढ़ते हैं, जब जब महंगाई बढ़ती है, तो ये लोग कई ऐसे मुद्दे लिखाते हैं बीच में कि अवाम इनको ना इनको काम के बारे में पूछे, ना उनको जॉब्स के बारे में पूछे, क्योंकि जब जब हम पूछते हैं तो इनको जवाब देना नहीं आता है और कोई भी ऐसा रिलीजियस मैटर उठा के बैठते हैं। हमने हाल में देखा है, क्योंकि जब जब ये सरकार को हमने कठिन से कठिन सवाल पूछे हैं तो अवाम को डाइवर्ट करने का काम किया है इन्होंने। इन्होंने जॉब देने का काम नहीं किया। आज हमारे बच्चे 10th पास है, हमारे बच्चे आज PUC पास है, आज हमारे बच्चे ग्रेजुएट पास है और अमेजोन में काम करते हैं, जोमाटो में काम करते हैं, ऐसी हालत बना के छोड़े हैं इन्होंने। इन्होंने ना डबल इंजन की सरकार आम आदमी के हित में आज तक इन्होंने काम नहीं किया है, ये बताता है कि आज देखिए किराना का क्या हो गया है, क्योंकि हमारी जो हंडी बनती थी खाने की और सालन की इतनी महंगी हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो आमदनी है वो भी घटते जा रही है, क्योंकि सरकार जो मिडिल क्लास लोग हैं इनको काम देने का कोई प्लान नहीं बनाती है और कोई स्कीम्स लागू नहीं करती है। आज देखिए कि LPG का जो प्राइसिंग बढ़ा हुआ है वो 1000 के पार हो चुका है, पेट्रोल का प्राइस 100 के पार हो चुका है, और ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है तो अवाम को परेशान करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों के इलेक्शंस के प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सिर्फ आने वाले इलेक्शन तक अवाम को इतना परेशान करेगी कि अवाम के खाने के वांदे पड़ेंगे, ना ये गवर्नमेंट जॉब देगी। हमारे बच्चे आज TCS करे हैं, हमारे बच्चे आज BE करे हैं, हमारे बच्चे आज डेंटल करे हैं, हमारे बच्चे आज मेडिकल करे हैं, और माँ बाप के खर्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। माँ बाप आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारा बच्चा आज ग्रेजुएट पास हुआ है तो इसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट है। हम बार बार बोल रहे हैं, कई मुद्दे हमने उठाए हैं, क्योंकि गुलबर्गिया के शहर के अंदर अलग का मुद्दा उठा के भी इन्होंने नफरत फैलने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने जब जब ये MLAs और MP खतरे में आते हैं तो रिलीजियस मैटर को उठाते हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट को, डबल इंजन की सरकार को ये पैतरे खेलना बंद कीजिए, क्योंकि पैतरे काम आपके काम करने वाले नहीं है, क्योंकि अवाम जान चुकी है। हिंदू मुस्लिम के अंदर आप डिवाइड करके जो राज करना चाहते हैं, गुलबर्गिया की अवाम, कर्नाटक की अवाम, हिंदू मुसलमान एक है, क्योंकि इनके पॉलिसीज़ को हमने जान चुके हैं। आने वाले दिनों में ये हिंदू मुस्लिम मिलकर इनकी गद्दी को साफ करेंगे। ये आज गुलबर्गा के सिंपापुरी सर्कल पे जो एहतजाज चल रहा है, ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल प्राइस आसमान पे जा रहा है, डीजल प्राइस आसमान पे जा रहा है, किराना पूरा आसमान पे जा रहा है, और ये गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। आने वाले 7 महीने तक यही करते बैठेंगे और यही बेसिस के ऊपर इन इलेक्शन लड़ेंगे। और अवाम को पूरा पता है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटक में पूरे डेवलपमेंट्स कर चुके हैं। अवाम को ये भी पता है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट जब जब रूल की है पूरे डेवलप कर चुके हैं। गुलबर्गे का मिसाल है, ये ऐसे हॉस्पिटल लीजिए, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी लीजिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लीजिए, डेवलपमेंट्स लीजिए, हाईकोर्ट लीजिए, सब कुछ कांग्रेस ने डेवलप कर चुके हैं। इनके पास कोई डेवलपमेंट का काम बचा हुआ नहीं है, इसीलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं और अवाम को परेशान करते हैं। मैं नौजवान से अपील करना चाहता हूँ कि इनके झांसे में मत आइए, क्योंकि ये अवाम को परेशान करने वाले हैं। ये लोग आपको रोज़ी नहीं देंगे, ये लोग आपको काम नहीं देंगे, क्योंकि आपका ग्रेजुएट, आपका मास्टर डिग्री सब कुछ वेस्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर
ये लोग सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ट्रेन बेचा है, एयरपोर्ट बेचे हैं, बैंक बेचे हैं, सब कुछ बेच चुके हैं इन्होंने। आने वाले दिनों के अंदर ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन काम करने वाले हैं। तो हम नौजवानों से यही अपील करते हैं कि आप लोग रोड पे आइए, क्योंकि इन लोगों को आने वाले दिनों में जॉब्स के बारे में हम डिमांड करेंगे, ताकि ये आवाम हम खामोश रहें। ये आवाम को ये समझ बैठे हैं कि हम लोग खामोश बैठे हैं, हम लोग खामोश नहीं बैठे, क्योंकि हमने आपको सरकार में जगह दी है कि आप काम क्या करेंगे, क्योंकि ये मैसेज जा रहा है कि आपने सरकार में रहते हुए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आपने जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जो स्कीम्स थे उसको आपने ख़त्म कर चुके हैं, और माइनॉरिटीज को आपने कोई स्कीम्स लागू नहीं किए कर चुके हैं, और जो आपने जो करप्शन किए हैं उसके भी फैस आने वाले दिनों में खुलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, ये आवाम को पता।